यह नवा एपिसोड होगा नेपाल सीरीज का। आप सबका स्वागत है, मेरा नाम खितीश है। अगर आप पिछला एपिसोड देखे होंगे तो यहीं से ब्लॉग का एंड किया था। अब फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सब कैसे हैं आप लोग? मैं मजे में हूँ फिलहाल नेपाल पे। भाट भटानी सुपर स्टोर मेरे होटल रूम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर कालंकी में ही ये वाला आपका मॉल स्थित है। काफी लंबा पार्किंग है, देख सकते हैं काफी भीड़ होगा लग रहा है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। KFC आपको हर जगह मिल जाएगा, शायद 70% कंट्रीज में दुनिया के। और इसकी जो कहानी है KFC वाले बुड्ढे की, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये गाड़ी फिलहाल नेपाल में जो गाड़ियाँ ना, मुझे अच्छी लगती है। अब चलने वाले अंदर, देखिए फूल तो सबको पसंद है, मुझे भी। कंपेयर टू इंडिया आपको आइसक्रीम हो सकता है नेपाल में थोड़ा ज़्यादा लगे। अब फिलहाल आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ काफ़ी अच्छा फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे लोग, शानदार नज़ारा है शाम का वक्त है। तो बस ऐसे ही आप देख सकते हैं, पार्किंग है, काफ़ी सारे पेड़ हैं। भाट भटानी का यह स्टोर है, मेगा स्टोर कालंकी में है। यहाँ देखिए अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके के यहाँ पे, जैसे डब का है, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पंखे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी एक ही स्टोर पर, हर चीज़ निविया है जैसा, तो हर चीज़ जैसा हिमालयन है। हिमालय जो इंडिया में है लगभग वही है। मेरा उद्देश्य यही है दिखाने का कि नेपाल का मॉल कैसा होगा, यहाँ क्या क्या सामान मिलते होंगे। बस यही चाहता हूँ आपसे शेयर करना कि यहाँ भी वैसे ही चीज़ हैं जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। वीडियो का पर्पज़ यही है। वीडियो ये वाला लंबा होगा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ किस तरीके का दुकान का जो भी है सिस्टम है, या कैसे रहते हैं, कपड़े लत्ते जो भी है। तो अगर देखना है आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत सारा चीज़ अगर ठीक से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको वहाँ के लोगों के स्टाइल्स के बारे में भी पता चल जाएगा, ब्रांड्स के बारे में पता चल जाएगा, लोग कैसे हैं वहाँ के ये भी पता चल जाएगा, उनका पहनावा क्या है ये भी पता चल जाएगा। फोटो खींच सकता? इसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि मॉल का एक वीडियो टाइप का बनाया जाए, भाट भटानी स्टोर का। तो इसीलिए मैं शाम को आया हूँ। मुझे कुछ खरीदना वरीदना है नहीं, ना ही मेरा बजट है फिलहाल। तो ये देखिए काफ़ी आपका दारू का जो है ना, ऐसा तो इंडिया में मिलेगी नहीं मुझे लगता है, मिलेगी भी तो मुझे मालूम नहीं है। यहाँ एक ही साथ दारू भी आपको मिलते हैं। दारू मुझे तो दारू नहीं पीता हूँ, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड है जैसा कि मैंने वहाँ पूछा तो बताया भाई लोग। और नेपाल का एक खास बात है जो फिलहाल 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हर छोटे से छोटे दुकान में, जिसको हम लोग गुंटी बोलते हैं या टपरी बोलते हैं, चाय का टपरी कुछ भी, आपको दारू हर जगह मिलेगी। दारू सीक्रेट ये सब एकदम हर जगह आपको मिलेगी। आगे गणेश जी का एक मूर्ति नज़र आ रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, कांच का ग्लास, काफ़ी सारे ग्लास है अलग अलग साइज के, दोनों साइड हैं। अब है कप प्लेट्स, चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं ये सब के काफ़ी सारे आपका देखिए स्टोर्स इसका यहाँ पे है। यहीं पे आपका अलग अलग फिर चीनी मिट्टी के जो है आपका मूर्ति बने हुए, कुछ भगवान जी के हैं, आपका बोधा वाला है, गणेश जी का है, राधा कृष्ण है, ऐसे अलग अलग टाइप का है। ये दारू पीने का ग्लास देखिए, क्वार्टर साइज है, हाफ वाला है, फुल वाला है, काफ़ी ध्यान दिए हुए हैं कि भाई दारू कैसे पीना है। ये बैटरी सेल वाला जो है एवरेडी का, जैसा हम लोग इधर चलता है यहाँ भी होगा। ये ताला चाबी है, ये देखिए आपका जो गैस वाला है, ओवन वाला, फिर आपका इंडक्शन वाला है, इसका ये अलग सेक्शन है। यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ हैं। ये आ गया आपका TV वाला है, अलग अलग बढ़िया बढ़िया कंपनी का TV है यहाँ पर। आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, काफ़ी सारे चीज़ें। देखिए सैमसंग लिखा हुआ है, आपका LG का था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स हैं यहाँ पर। ये सेक्शन है आपका, आसन हो गया, तकिया हो गया, बेडशीट हो गया, देखिए मच्छरदानी बीच में रखा हुआ है। तो इस टाइप का यहाँ पे आपको ये सब अगर शॉपिंग करना है इसका है। ये आपका कोई फ्रिज का लग रहा है, पैनासोनिक। अलग अलग कंपनी के ब्रांडेड चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स यहाँ पर है, आपका फ्रिज टाइप का है। यहाँ आपका बियर वेयर भी रखा हुआ है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं।
ये सब देखिए आपका फ्रूट्स हैं, एप्पल होंगे, नाशपाती होंगे, अंगूर होंगे शायद, सब अलग अलग फ्रूट्स भी ऐसे पैकेटिंग किया हुआ है। सेम चीज जो आपका ब्रांड देख रहे ना, ब्रांड भी सेम है, सेम सेम सेम। ये बिंदन वाला ब्रांड इंडिया भी है, ये नहीं है, ये स्वास्तिक नहीं है, पर ये सब है। देखिए ये सब आपका जो है ना, कहाँ गया, सफोला, फॉर्चून, फॉर्चून धारा, वहाँ पे भी धारा है, दूसरा होगा हाँ ना, सब सब चीज आपका वही है। ऐसे ही हो जाती है अक्सर वहाँ के लोगों से बात, जहाँ मैं जाता हूँ सब इच्छा रहती है ऊपर वाले की, और काफ़ी सारे जानकारियाँ मुझे मिल जाती है इसके चक्कर में। ये देखिए यहाँ पे व्हील का पाउडर है, व्हील का देखिए ग्रीन टाइप का जो है, शायद इंडिया में ग्रीन टाइप का नहीं मिलता, ये रिन है। तो ऐसे वॉशिंग पाउडर जो भी है, इंडियन जो ब्रांड है वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, आपका सर्फ एक्सल है, टाइड है। तो ऐसे ही देख देख के अपना टाइम पास धीरे धीरे कर रहा हूँ, और इसी बीच उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि भैया अगर शाम को रहते हैं तो हम लोग पार्टी मनाते हैं, जो वहाँ बात कर रहे थे। मैं बोला नहीं भाई, मुझे निकलना है। अब सवाल होंगे भैया कि आप दिखा तो दिए पर रेट किसी का नहीं बताए। रेट यही है, इंडियन जो भी है, इंडियन का रेट, इंडियन रेट जो भी जो सामान का है लगभग वही या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे, यही आपको एक एवरेज लेके चलना होगा। देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पेप्सोडेंट है, काफ़ी सारे डिटोल है, सेवलोन है, अलग अलग चीज़ है, आपको डेंगू मारने वाला, मच्छर मारने वाला, मेमी पोको पैंट्स। ऐसे चल रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, टॉवल्स का स्टोर है। हेलो करो, हेलो 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 करो। तो मज़ेदार शाम चल रहा है, ये कायना आगे मिलेगा तो यही हूँ मैं, देख सकते हैं। मेरा जो ड्रेस कोड है, जनरली अगर आप वीडियोस देखते हैं पहले से, जींस है और फुल सेट है, फुल सेट वो भी नॉर्मल वाला, जींस नॉर्मल एकदम क्लीन वाला। फुल सेट एक देखा जिसका रेट 1700 रुपया था नेपाली। $135, $134 ये सब जो लिखा हुआ, $133 ये सब नंबर हैं स्टोर्स के यहाँ के। इस फैमिली का शॉपिंग हो चुका है, देखिए बच्चे यहाँ मज़ा ले रहा ट्रॉली का, इंडियन कंपनी भाई, टाइटन। मेरे पास भी वही घड़ी है फिलहाल। शाम का नज़ारा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। काठमांडू के कालंकी का एक मॉल पर मैं आया हुआ हूँ, और ये सब एक यादें हैं जिसको मैंने कोशिश की अपने मोबाइल से खींच कर रखने की, कि मैं यहाँ आया था, इसका ये एक प्रमाण है। फोटोज़ या वीडियोज़ निकालना या घूमना, ये तो मैं पहले से ही करता हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। अब लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना है, शाम हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा लेट में यहाँ शाम होती है, पहाड़ी इलाका है ना, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोला था पिछले ब्लॉग्स में भी कि यहाँ पैदल बहुत चलते हैं लोग, और आप देख सकते हैं उसका नज़ारा, काफ़ी लोग पैदल चल रहे हैं। तो संतोष भाई से अब अलविदा लेना है पोखरा जाने के लिए, और इधर विकास भाई है, बाय। जल्दी आइए घूमने के लिए, मैंने संतोष भाई के वीडियो बनाई, संतोष भाई का वीडियो बन गया है, ठीक है। ज्ञानोदय मार्ग को 3 दिन बाद अब अलविदा कह रहा हूँ, तो ज्ञानोदय मार्ग का यहीं पर ही मैं था, और काफ़ी अच्छा से परिचित हो गया था सबसे, मोबाइल दुकान वाले से, आपके यहाँ सैलून में, और ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड के दुकानें हैं जो शाम को यहाँ लगती है, और एक कपड़े की दुकान इंडिया में ऐसे मुझे नहीं लगता लगती होगी, लेकिन ये शाम को ही लगती है, मैंने देखा इससे पहले दिन शाम को ये लोग ट्रॉच जला के बस अपना दुकान लगाते हैं।
यहाँ से हमने बस पकड़ा पोखरा के लिए, पर काफी लेट था बस। देख सकते हैं यहाँ रेस्ट रूम टाइप का भी है। काठमांडू से पोखरा जाते हुए बस में मुलाकात होती है लोकनाथ भाई से, जो मेरे ही साथ वाले सीट पर बैठे हुए हैं। वे ट्रेकिंग के काफी सारे नॉलेज मुझे बताते हैं। वे एक ट्रैवल गाइड हैं जो आपका ट्रैकिंग बुकिंग करवाते हैं विदेशी मेहमानों से। उनका यहाँ पे लाइसेंस है और उनके अच्छे पैसे मिलते हैं, वो बता रहे थे मुझे। तो अगले एपिसोड पर मिलते हैं पोखरा पर हम। कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते दोस्तों।